दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में शाहदरा नॉर्थ जोन और शाहदरा साउथ जोन की स्पेशल बैठक में जोन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सभी पदों पर भाजपा पार्षदों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। निगम मुख्यालय सभागार में सबसे पहले शाहदरा नॉर्थ जोन की बैठक हुई, जिसमें पीठासीन अधिकारी के अग्रवाल ने प्रवेश शर्मा के निर्विरोध जीतने की घोषणा की, जिसके बाद प्रवेश शर्मा ने नीता बिष्ट के निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की। जोन चेयरमैन बनने के बाद प्रवेश शर्मा ने धन्यवाद देते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पर और हिमांशु पर दिखाया है, हम दोनों ही 100% उसमें खरा उतरेंगे और चुनावी वर्ष है, जोन के अंदर बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि निगम के 100 को 100% काम, निगम के 100 को 100% जो काम है सिविक सर्विसेज हैं तो जोन में ही है। लोगों को उम्मीदें हैं और लोगों को परेशानियां भी हैं, मुझे पूरा यकीन है कि मैं और हिमांशु जिम्मेदारी के साथ पूरा लोगों की, आम जनता की और अपने कार्यकर्ताओं की, उनकी भी परेशानियों का समाधान करेंगे और अधिकारियों को, जो अधिकारी जिनके दिमाग में कुछ खराबी है मैं चाहूँगा ठीक करना अपने आपको। वहीं नॉर्थ जोन की बैठक के बाद सभागार में 7 जून की बैठक शुरू हुई। पीठासीन अधिकारी भावना मलिक ने निगम पार्षद हिमांशु पांडे के निर्वाचित होने की घोषणा की। इसके बाद हिमांशु पांडे ने पदभार ग्रहण किया।